फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्ट विद स्मिति। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर फेस पैक्स। जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपके लिए 5 फेस पैक लेकर आऊंगी, उसके बाद मैं आपके लिए स्क्रब लेकर आऊंगी जिन्हें और विंटर में हमारी स्किन कैसे हो जाती है, जिनकी उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, जिनकी ड्राई है उनकी और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बात अगर मेरी स्किन की जाए तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है और वहाँ से जैसे कि हमारे फटे फटे हो जाते हैं, स्ट्राइप होते हैं, इसलिए मैं अच्छे से फेस के लिए केयर करती हूँ। तो इस वीडियो में आपके लेकर आई हूँ 5 फेस पैक्स जो कि होम रेमेडी है। तो मैं एक वीडियो में एक बार आपको लगा के भी दिखाऊंगी, जब वो भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक वीडियो में एक ही पैक आपको दिखाऊंगी। बाकी के 4 पैक्स जो मेरी आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलेंगी, पहला पैक लेकर आई हूँ। तो देखते हैं पैक कितना ईजी है, आपको लगाने में भी आपको अच्छा लगेगा और कुछ बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, आप इसे इजीली बना सकते हैं। हफ्ते में आपको 2 या 3 बार इसे करना है, नरिश हो जाएगी, सॉफ्ट रहेगी और बिल्कुल भी ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी जैसे कि विंटर्स में अक्सर हो जाती है। तो ये आपके लिए विंटर में ग्लो भी करेगा आपकी स्किन इसे लगाने से। तो चलिए देखते हैं कि फेस पैक कौन सा है। वैसे कैसे है, कोकोनट ऑयल, ये मैरिट विको का कोकोनट ऑयल है, ये आपको ईजिली नायका पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेना है एक बाउल, उसके बाद आपको ये है दही और ये है कच्चे आलू का पेस्ट। तो अब मैं बताती हूँ इसे आपको बनाना कैसे। तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच आलू का पेस्ट, ये 2 चम्मच आलू का पेस्ट लेना है आपको, और उसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच दही। उसके बाद आपको इसे मिक्स कर लेना है इस तरीके से। इसे मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको डालना है ये वाला कोकोनट ऑयल। इसे मैं थोड़ा सा डालूंगी, लाइक 2-3-5 ड्रॉप्स डालेंगे हम इसकी। ये क्या करेगा, आपकी स्किन कोकोनट ऑयल जो है वो आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, आपकी स्पॉट्स है उसे रिमूव करेगा। दही नेचुरल मॉइस्चराइजर है तो ये मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। आलू तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो डेड सेल है उसे भी निकालेगा, सनबर्न जो होगा उसे भी निकालेगा, टैनिंग आएगी वो भी निकाल देगा। तो इसे अप्लाई कैसे करना है फेस पे, वो मैं कैसे, इसे लगाना बहुत इजी है। आप ब्रश ले सकते हैं कोई भी जिसे फेस पैक लगाते हैं, उसके बाद आप इसे मिक्स करिए। इस तरीके से आपको इसे लगाना है, 10 से 15 मिनट से इसे लगा के रखना है, 15 मिनट बाद इसे धो लेना है ठंडे पानी से, जब पानी ठंडा ना हो, नॉर्मल वाटर से आप इसे धोइएगा। तो अब आप देख सकते हैं सूख चुका है, तो मैं इसे धोकर आती हूँ। तो धोने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जब आप इसे लगाएंगे थोड़ा सा आपको खुजली सा महसूस होगा, जैसे हमें ब्लीच लगाते टाइम होता है। तो चलिए मैं इसे धोकर आती हूँ। आप तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो ये था एक पैक जो मैं आपके लिए लिखाई थी विंटर्स के लिए, आप इसे विंटर में इजीली लगा सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर आप जब इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, अगर आप इसे लगाने से आपको खुजली सा यानी कि जब हम ब्लीच लगाते हैं ऐसा कुछ महसूस होता है तो वो नॉर्मल ही है, क्योंकि जो इसमें पोटैटो है वो क्या करेगा, अंदर से जो भी हमारे डस्ट वगैरह होगा वो अंदर से खींचता है, बिल्कुल साफ कर देगा, क्लियर कर देगा आपकी स्किन। कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट माय एनी वीडियो। आई विल सी यू ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।